बुद्ध धर्म भारत में कहां से लाया गया वो बताएं। बुद्ध बेसिकली अगर वो ऐसा सोचते हैं कि और जो धम्म है जो और जो धर्म है उनकी तरह ही एक ये बुद्ध का धर्म है, जी तो मैं थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन कर दूं कि ये उससे अलग है, जी क्योंकि ये है जो नेचर के अंदर जो गुण हैं उनको निकालना, जो मनुष्य के अंदर जो गुण हैं उनको बताना, उनके कार्यक्रम को वो कैसे करते हैं उसको बताना। जी ये कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, ये बेसिकली हर मनुष्य के अंदर होता है। जी और भारत में उस मगध के क्षेत्र में और उस नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में जहाँ सुख शांति बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, कुछ प्राकृतिक वातावरण ऐसा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना अन्वेषण यानी स्वयं अध्ययन ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे वो प्राकृतिक चीज़ें कैसे काम करती हैं उसको जान लेते हैं। तो बुद्ध ने इसको रीडिस्कवर किया, यानी ये मनुष्य के अंदर पहले से ही है। सिर्फ बुद्ध ने या बुद्ध जैसे और भी जो बुद्ध लोग हुए हैं या जो भिक्खु बाद में हुए हैं, उन्होंने उसको सिर्फ रीडिस्कवर किया है, अपने अंदर खोजा है, कहीं से बाहर से नहीं आया है। और जो वो बता के गए भगवान बुद्ध ने जो बताया और वो सारा कुछ जो ज्ञान उन्होंने दिया वो बाद में उनके नाम से जाना गया और उनके नाम की फिलोसफी से माना गया। तो भारत के अंदर ही है, भारत में ही आया है, मगर दुनिया के हर मनुष्य में है, मनुष्य में कहीं भी खोजा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी बुद्ध बन सकता है। बुद्ध बनने की प्रक्रिया स्वयं भगवान बुद्ध ने बताई हुई है।